तो कवि, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे, इस मूवी में हमेशा होता है कि दोस्त जब साथ देता है किसी का तो लड़की पटी जाती है, तो ऐसे कुछ होने वाला है? ऐसे होने वाला है, ऐसा नहीं कि ये नहीं होने वाला है फिल्म के अंदर, बट आई थिंक मेरे हिसाब से माई एडवाइस टू वीर और अमित सहनी इन द फिल्म इज़ द वर्स्ट एडवाइस ऑन अर्थ. मतलब अगर इफ़ यू गाइज हैव द प्लेजर ऑफ हैविंग अ फ्रेंड लाइक मी इन द फिल्म, जैसा मेरा कैरेक्टर है, प्लीज़ गेट रिड ऑफ हिम इन योर लाइफ. मतलब कि जस्ट पुश हिम अवे, कि मतलब मेरे घर पे मत आओ. आई गिव हिम द वर्स्ट एडवाइस ऑन अर्थ. नाउ वेदर ही फॉलोज दैट एडवाइस, वेदर दैट एडवाइस इज गुड और नॉट, यू हैव टू वॉच इन द फिल्म. But yeah, I think his list is something that is an interesting thing that every girl and guy has, but it's about whether it works on. So अमित सहनी के साथ साथ लोग आपको भी देख रहे हैं एक दूसरे लीड की तरफ, तो क्या रोल है आपका और कुछ कुछ एलाबरेट करेंगे प्लीज? फर्स्टली मैं आई एम नॉट अ सेकंड लीड इन दिस फिल्म एट ऑल. आई प्ले अ वेरी सिंपल अमित सहनी का बेस्ट फ्रेंड फिल्म के अंदर. बट आई एम अ कुक हु कांट कुक. आई एम अ गाय हु गिव्स एडवाइस एंड ज्ञान देता हूँ, लेकिन मेरे पास कोई नॉलेज नहीं है लाइफ में. बट जो भी बोलता हूँ मैं, आई टेक इट फ्रॉम मेटाफोर्स फ्रॉम कुकिंग, कि मतलब कि परफेक्ट रेसिपी से ब्रेड बनती है, लड़की नहीं मिलती. आई टेक कि अगर मैं कुछ आटा के साथ कर रहा हूँ तो आई फाइंड सम रिलेशनशिप एडवाइस फ्रॉम माई आटा और फ्रॉम माई कुकिंग और समथिंग. सो दैट्स द मैजिक ऑफ पुश. अभी नाउ ही गिव्स बैड एडवाइस, ऐसा नहीं है कि his advice is good. He gives bad advice, but that advice somehow always works. So that's the beauty of Pushkar's character in Amit Sahni Ki List. So he's a lovable guy. You guys will fall in love with Push. He's the best friend that you love, but wanna punch as well at the same time. Are you feeling any pressure? Like Veer Das सामने काम कर रहे हैं, जो एक stand-up comedian भी है, कोई pressure आपको महसूस हो रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं. आई थिंक माई फर्स्ट फिल्म इन इंडिया वीर के साथ ही था. 8 साल से हम एक दूसरे के साथ, मतलब वी बिन वर्किंग ऑन अ कंपनी टुगेदर, वी परफॉर्म टुगेदर एवरी वीकेंड. तो ऐसा कोई प्रेशर नहीं है. आई मीन वीर टुडे इज़, यू नो, ही इज़ अ सेल्फ मेड मैन. वेयर ही इज़ रीच टुडे, आई एम पर्सनली वेरी वेरी प्राउड ऑफ, बिकॉज आई हैव सीन कि मतलब हम दोनों ने कहाँ से शुरू किया था एंड वेयर ही इज़ नाउ. सो दिस नेवर एनी प्रेशर, बिकॉज ही डजंट एवर लेट मी फील के मतलब फॉर मी वीर इज़ स्टिल द वीर आई मेट ड्यूरिंग लव आजकल, इज स्टिल दैट गाय. एंड आई नेवर, ही इज़ नेवर मेड मी फील के, यू नो, मैं इतना सक्सेसफुल हो गया हूँ एंड यू हैव. सो इट्स नेवर, इट्स अ नाइस बैलेंस एक्चुअली. ऐसा लगता है इवन व्हेन जब हम शूटिंग कर रहे थे तब टू फ्रेंड्स मीटिंग और चलो कुछ काम करते हैं, लाइक एंड देन वी वेंट ऑफ टू सेट एंड डिड आवर थिंग. सो इट्स अ नाइस फीलिंग. You know, God bless him. He's worked very hard, and he works very, very hard to be where he is today. And inshallah, I will, you know, also follow those steps and be up there in that same caliber. But for right now, I've never felt any problems. Being, in fact, I want to do more films with him because it's just fun. It's a nice. It's a holiday for us. So. Rom-com movie है तो अक्सर देखा जाता है कि romance ज़्यादा होता है, comedy कम होती है. इसमें क्या होने वाला है? दोनों balance होने वाले हैं या ज़्यादा क्या होने वाला? Actually, comedy है इस film के अंदर. I'm going to be honest with you. There's a lot of comedy. Comedy mainly comes from Veer and I. Romance bhi hai. And the nice thing is when I saw the film, even I stepped back for a second and I saw Veer in a romantic role for the first time. And I almost fell in love with him because he does it so well. So you'll find a nice mixture of both. You'll find that romantic angle, but then the comedy is also there to back it up. And our comedy isn't ha 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 funny comedy. It's very quick, it's very subtle, very witty, and it's more situational than lines. So it's you watch the situation and you laugh. You may not laugh out loud, but you definitely go home feeling like, अरे, I spent good money to watch this film and I feel good, you know, and it's a very good feel good movie. If you could manage this whole movie in a word or in a sentence, then क्या होगा वो? Everyone has a list. Okay, this is a hard one. Everyone has a list. I think if you have a list, watch this film, see if that list matches your list, and see if this list works. See if you need a list in life to find that perfect girl. You won't find out unless you come see July 18th.